गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दोस्रो खेमाको आज सुकुनामा एउटा जरुरी सभा सम्पन्न भए पश्चात पत्रकार समूहलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्र समिति अध्यक्ष विनय तामाङले आफ्नो मन्तव्य यसरी राखेका छन्। आजका जो मिटिङ सुकुनामै हुआ था, इसमें गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा और गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा का जो 23 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर्स और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो कमेटी है उनका लीडर्स सभी को बुलाया गया था। और अभी का जो बॉर्डिंग इश्यू है, दादा माइक टेक टू नीचे, जो बॉर्डिंग इश्यू है एक टू नीचे, वो है 11 तारीख दिसंबर 2019 तक। ये हम लोग कहते थे कि इसमें कैप बोल के जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और 12 तारीख जब गैजेट नोटिफिकेशन एक राजपत्र निकलने पर आप ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 हो गया है, हम लोग इसका खिलाफ में है। और दूसरा इसी का कोरिलेटेड सब्जेक्ट जो आसाम में इससे आगे हुआ था NRC का, इसका विरोध में भी हम लोग हैं। और आपको पता है कि डुअर्स दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट उस टाइम सिलगुड़ी कालिम्पोंग लेके दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट भी था, ये जब ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम में इनर लाइन परमिट का प्रोविजन रखा था। तो ये इनर लाइन परमिट डुअर्स में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में और जो कालिम्पोंग भी था सिलगुड़ी में था, तो ये विड्रॉ किया है 1990 में, 1990 में इसको इनर लाइन को यहाँ से हटा दिया गया है। नाउ ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, सिलगुड़ी एंड डुअर्स, हम लोग ये डिमांड रखते हैं कि वो री इम्पोज होना चाहिए इनर लाइन परमिट इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, डुअर्स एंड सिलगुड़ी में जो पहले था, जो 1990 में चला गया था। और ये डिमांड है। और जो आपको पता है कि कैब जो GTA इलाके हैं उसमें एग्जेम्प्ट होना चाहिए, जैसा कि बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनॉमस काउंसिल में एग्जेम्प्टेड हो गया, कार्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल में भी हो गया। हम लोग को डिमांड है कि वैसे ही ऑटोनॉमस काउंसिल GTA भी है तो उसमें भी एग्जेम्प्टेड होना चाहिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और हमारा आज का मीटिंग में इस स्टैंड पार्टी का जो स्टैंड हम लोग का था वो स्टैंड हम लोग ने बता दिया है कि इनर लाइन परमिट एक हो गया लागू होना चाहिए यहाँ पे। दूसरा कैब जो है, जो कैब नहीं अभी तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया है, वो GTA इलाके में एग्जेम्प्टेड होना चाहिए। और NRC को तो आपको पता है कि हमारा वही डिमांड है कि गोरखाओं को ओरिजिनल इनहेबिटेंट दें और प्रोटेक्टिव लिस्ट में डालें। और ये था। और आने वाला दिन में हम लोग का 2-3 प्रोग्राम है, उसमें से 18 तारीख दिसंबर और 19 तारीख को सभी इलाके में, इवन फोर्टी हिल्स और नेशनल हाईवे और सभी जगह में गोरखा जनमुक्ति युवा मोर्चा की तरफ से कैप के एक्ट के अगेंस्ट में और मैसिव पोस्टरिंग होगा। उसके बाद में 20 तारीख 28 दिसंबर को दार्जिलिंग में, कालिम्पोंग में, कर्सेंग और मिरिक में मैसिव रैली होगा, पब्लिक रैली, और उसमें पब्लिक मीटिंग भी होगा, ये इन अगेंस्ट ऑफ ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड NRC। उसके बाद में हम लोग, हमारा जो यूथ विंग है, जो गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा है, उनका तरफ से 20 तारीख के बाद में किसी भी दिन कोई भी प्रोग्राम वो कर सकते हैं अगेंस्ट ऑफ दिस थिंग। अभी ये तय नहीं हुआ है किस तरीके का प्रोग्राम होगा ये और किस तारीख में होगा, ये नहीं हुआ है, ये हम लोग यूथ के साथ में बैठ के हम लोग फाइनलाइज करेंगे, बट ये प्रोग्राम विद इन दिसंबर करेंगे यूथ के तरफ से। दूसरा है, उसके बाद में यूथ के प्रोग्राम के बाद में हम लोग एक प्रोटेस्ट जो फुटिल से सिलगुड़ी है डुअर्स में भी हम लोग करेंगे, वो रोड में आके हम लोग करेंगे इसका अगेंस्ट में, ये हम लोग जनवरी में करेंगे वो यूथ के प्रोग्राम के बाद में। और वी विल इंटेंसिफाई द मूवमेंट
आने वाले दिन में हम लोग एनएचपी द मूवमेंट, सो ये मूवमेंट का जो प्रोग्राम है नॉट ओनली ये कंसेंट्रेट होगा हिल्स में, सो हम लोग ये डुअर्स की तरफ भी लेके जाएंगे और सिविल की तरफ भी लेके जाएंगे। और इमीडिएट री इम्पोजिशन ऑफ इनर लाइन परमिट इन डुअर्स, सिलगुड़ी, दादरा डिस्ट्रिक्ट एंड कलिंगपोंग।